हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलाइस ब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे ऑप्शन कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। तो आप लोग को तो पता ही होगा, ऑप्शन में आपको मार्केट फोरकास्ट करना पड़ता है। जैसे आपने अभी कॉन्टेक्ट लिया, बाय कॉल बाय और पुट बाय कोई भी हो, तो उसके लिए आपको मार्केट प्रोजेक्शन करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, तो तभी आपको ऑप्शन में प्रॉफिट मिल जाता है। तो मैं ऐसा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जहाँ से आप आराम से मार्केट को फोरकास्ट कर सकता है और वहाँ से अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट निकाल सकता है। ठीक है, तो पहले आप ले लीजिए, मैंने ये डेली चार्ट लिया हुआ है, तो इसमें पहले आप ले लीजिए 15 मिनट चार्ट या 30 मिनट। तो मैंने 30 मिनट का चार्ट लिया, राइट, कोई भी एक पोर्शन से लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ से थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, तो ये देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज लिया मैंने, राइट, और यहाँ पे मैंने CCI 34 लिया हुआ है। CCI जो पीरियड होता है 34, और उनमें मैंने जीरो लेवल का लेवल डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो CCI जीरो लेवल भी मैंने साथ में दिया हुआ है और इसका पीरियड मैंने 34 लिया हुआ है, राइट। तो आप इसका बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो जैसे ही आपको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में प्राइस मिलेगा, जैसे ये 200 का ये पोर्शन से ये एरिया से, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। ठीक है, तो आपको अभी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, जैसे इसको CCI क्रॉस करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे CCI क्रॉस किया हाफ एन आवर में, तो उस समय आपको 25,631 का आसपास था, तो वहाँ पे आपको पहले बाय मिला। तो CCI में सिर्फ हमको बाय एंटी मिलेगा यहाँ पे, तो बाय एंटी कब लेना है, यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में प्राइस है और उस समय CCI ने जीरो लेवल क्रॉस किया, राइट, तो वहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ का आसपास 1000 पॉइंट का ऊपर आसपास आपको मिला हुआ है। तो यहाँ से देखिए, पहले हमें बाय, तो यहाँ पे जब CCI क्रॉस किया, राइट, तो यहाँ से आप कॉल ऑप्शन बाय जाए, कॉल ऑप्शन बाय करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है, राइट, तो सेल लेगा तो सेल सिग्नल, जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल आया था आपको, CCI ने सेल सिग्नल दिया, तो सेल नहीं जाना है क्योंकि ये 200 का ऊपर में है, तो इसलिए हम सिर्फ बाय ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप बाय जाइए, तो यहाँ से 100-2000 पॉइंट का आसपास मिला है, तो 200-300 पॉइंट में भी लेके आप निकल सकता है और इसको आप ट्रेलिंग भी कर सकता है और एक्सपायर तक होल्ड भी कर सकता है, राइट। तो नेक्स्ट आपको देख सकता है यहाँ पे ऊपर में है, तो ये नीचे आया तो थोड़ा ऊपर गया, तो 200 पॉइंट आपको मिला हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आप देख सकता है यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे गया था, 200 पॉइंट का आसपास मिला, तो नेक्स्ट 200 का नीचे आ गया, तो अभी हमें सेल लेना है। जैसे अभी CCI के लिए वेट करना है, देखिए यहाँ पे CCI क्रॉस किया, राइट, तो CCI यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ से हम ऑप्शन में क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, राइट, तो पुट बाय करेंगे, 200 पॉइंट 300 पॉइंट लेके निकल जाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पुट बाय किया, तो यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट आ रहा है, तो और नीचे भी आ रहा है, तो मुझे लगता है 1-2-3-4-5 दिन में आपको कम से कम 500-600 पॉइंट आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको कहाँ पे मिला था आपको, जैसे यहाँ पे सेल बाय करने के लिए पुट ऑप्शन मिला था, यहाँ से आपको 600 पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें सेल जाएंगे, तो यहाँ पे बाय दिया तो बाय नहीं जाएंगे, अगर ये 200 लेवल क्रॉस कर दिया अभी, तो यहाँ से हम अभी फिर से बाय जाएंगे। ठीक है, बाय का ऑप्शन हमें नहीं आया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर हम सेल जाएंगे 200, ये CCI, देखिए यहाँ पे CCI क्रॉस किया हुआ है जीरो लेवल, राइट, अगेन ये CCI जीरो लेवल क्रॉस किया, यहाँ से आप अगर बाय करेंगे तो पुट ऑप्शन 700 पॉइंट आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो फोरकास्ट करने के लिए मतलब यहाँ पे अगर आपने किया, तो यहाँ पे एक ही दिन में आपको मिल जाता है 500-600 पॉइंट, राइट, 500-600 पॉइंट एक ही दिन में आपको, मुझे लगता है बहुत सारा
मिल सकता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अभी सेल करने के लिए हमें ऑप्शन नहीं मिला, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमें सेल ऑप्शन मिला ये पॉइंट में, सीसीए क्रॉस करने के लिए लिया, तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे राइट। यहाँ पे हमें मिला था तो हमने सेल किया था, यहाँ तो थोड़ा बहुत नीचे लॉस में दिखाया था, तो एक्सपायर होने से पहले ही आपको 400-500 पॉइंट मिला हुआ है यहाँ से, फिर से सेल सिग्नल मिला यहाँ पे, तो हम अगर यहाँ पे सेल कर देता, ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर आ गया तो फिर से क्रॉस कर रहा है जीरो को, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे तो 2-3 दिन में हमको 600-700-800 पॉइंट मिला हुआ है हमको सीसीआई ने। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पे आपका कितना पॉइंट आ सकता है। तो ठीक है, तो ये है बेसिक फॉर्मूला टू कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको बाय करने के लिए, तो कहाँ पे एंट्री करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट और यहाँ से आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो ज़्यादा मार्केट रिसर्च करने का भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये सीसीआई देख के आप आराम से ट्रेडिंग कर सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।